क्या हुआ यार? ए, कॉलेज में जाके उसे लेटर देने की हिम्मत की उसने। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया उसने। तो सोचना क्या है, इश्क का भूत उतारते हैं? चल, उसका ठिकाना पता है मुझे। चल ऑटो स्टार्ट। ए, गुंडो जैसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है, बस डांसर है वो। ए, दिमाग ठंडा रख के पहले बात करना। ए काली मैं इधर आ। अरे डरता क्या है ना, आजा, डर मत, आजा आजा। यही है क्या वो? ले आ गया। गलत अप्रोच है। मैं ये कहने नहीं आया कि लड़की को प्रपोज करना गलत है, पर जब उसने कह दिया कि वो तुझे पसंद नहीं करती, तो बेकार में उसके कॉलेज जाना, उसे मिलने की कोशिश करना, उसे फोन करना, ये करने की क्या मारना। बात कर रहा हूँ ना, ऐसा समझ कि आज से ये मैटर क्लोज हो गया। भला इसी में है कि उसे भूल जाए। अच्छे से हजाम को देख के बाल कटवा, जहां देखो हाथ चलाते रहता है। पंद्रह बीस मिनट में समाज सेवा करके आता हूं। हाँ, समझ गया, जाए ऐश कर। अबे गिरेगा। वो जानते थे कि मैं महेश को ड्रॉप करने आऊंगा, वहीं बाइक पार्क करके मैं खड़ा हो गया। वो टोटल चार लोग थे, सॉलिड लगने वाली थी। मेरी नहीं रे, उन चारों की। मेरे को हलवा समझा है। थोड़ी सी टेंशन हुई, पेट में गुड़गुड़ भी हुई, एक अजीब सी नई फीलिंग थी, लेकिन दिल ने कहा बिंदास रहे, जो होगा देखा जाएगा। बाल नहीं कटवाए? तेरी बहन से इश्क करो तो तू मना करता है, पर तू हमारे एरिया में आके सब कुछ कर सकता है। आया हूँ, पर अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए आया हूँ, बस उसे कंपनी देने के लिए, पिकअप ड्रॉप, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। कल तेरी बहन के कमरे में आऊंगा, अलाउ करेगा मुझे? टोटल छह पंच मारे और छह किक लगाए। मार, मार। बॉडी की सारी एनर्जी उस पंच में लगा दी। ए तू मोहल्ले से मुन्ना भाई को लोगों को बुला, जा जल्दी भाग। तेरा लव सीन खत्म नहीं हुआ क्या? यहाँ फाइट शुरू हो गई है। तेरे प्यार के चक्कर में मैं पिटने वाला हूँ, जल्दी आ। वो रोमियो तीन लौंडे लेके आया है, आजा। क्लाइमेक्स बाकी था यार। क्या यार, तू भी सबको मारा यार, तो मुझे मारने देता। क्या यार इतना जल्दबाजी। चल 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 चल, ठीक है, इनको बाद में देखेंगे, चल जल्दी चला। मेरी उमराव जान के चक्कर में मेरी जान चली जाती। जब मेरे बच्चे होंगे ना, तो उनको छह सॉलिड पंच की स्टोरी सुनाऊंगा। देखो बेटा, तुम्हारे पापा ने अकेले ही चार लॉन्डो की जम के पिटाई की थी। पकड़ 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 पकड़। आज के बाद कैसी भी सिचुएशन हो, कल रात के बाद उस सिचुएशन को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया है। कॉन्फिडेंस से ज्यादा लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बॉल डाल। सर, नाइस प्लेस, यह रहा मेन्यू कार्ड। एक्सपेंसिव है ना? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे लिए आउट ऑफ रीच हो सकती है। अच्छा, मेरी औकात निकालेगा। दिव्या को बताना ही पड़ेगा। नहीं यार, मैं तो तेरे लिए चेक कर रहा था। ओ, मेरे लिए? हाँ, तेरी हालत देख के दुख अच्छा होता है, क्योंकि जब भी मैं दिव्या के साथ होता हूँ तो बिल्कुल अकेला होता है। कब तक व्हाट्सएप पे वीडियो देखेगा यार? तू नहीं सुधरेगा। कभी पिटेगा उससे तू। लड़की, इश्क, रोमांस, ये सब करने के लिए हमें भी कुछ ग्लैमर होना चाहिए ना। प्यार करने के लिए भी इंसान को कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरी माना तो ऐसी चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। हमें अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए, डिसेंटली बिहेव करना चाहिए, लाइफ लॉन्ग। ओके, बोलते रहे। मेरी दो बहनें हैं, इसीलिए बचपन से सोचता था कि लड़कियों के दिल की बात समझना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। नो चांस यार, लड़की लड़की को नहीं समझ पाती। सही बोला। तुम इतनी लड़कियां कैसे हैंडल करते हो? एक्चुअली नहीं, रहने दो, तुम कौन सा समझने जाते हो, तुम तो एक्शन करने जाते हो। ए, तो इसकी लव स्टोरी बताना। बैक टू सुकन्या टॉपिक, इसका सेकंड फ्लॉप लव। ये कोई खाक लव है? ऐसा क्यों कह रही हो? आज तक तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, ऐसा भाई साहब टाइप बॉयफ्रेंड मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझे? दिस इज ओवर। सुकन्या प्लीज, प्लीज सुकन्या। नेक्स्ट लव स्टोरी, मल्लिका, इसकी लाइफ का थर्ड लव। पिछली वाली का हाथ नहीं पकड़ा तो मुझे छोड़ के चली गई, सोचा इस वाली पे ट्राई करता। लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया। मल्लिका का अपना ही एक अलग फंडा था। हे, हाउ डेयर यू? छी, पहली बार में ही हाथ पकड़ लिया। यू डिसअपॉइंटेड मी।
बस दोबारा ट्राई मत करना मल्लिका। हाथ पकड़ना प्रॉब्लम, ना पकड़ना प्रॉब्लम, एक्चुअली लड़की प्रॉब्लम है। इसलिए प्यार को आने दो, अगर हम उसे ढूंढेंगे तो पागल हो जाएंगे। सही है बेटा, सही है। आज नहीं तो कल ये जरूर होगा, और तब तक मेरा फर्स्ट लव मेरे पास है। फर्स्ट लव कौन है वो? कल सुबह आने वाली है। क्या सच में? फाइनली सुपर्ब लव, अब तो उसी के साथ बिजी रहेगा। बताना यार। मेरी आरवी, किसी भी दिन शी'ड बी माय फर्स्ट लव। लीला हाँ? वो खुद आई है, मैत्रेयी की कॉलेज फ्रेंड है। ओ। रूल्स के मुताबिक किसी भी दोस्त की बहन हम सबकी बहन होती है। सही बोला। लेकिन अगर बहन की ही दोस्त हो तो वो बहन नहीं होती। अगर कुछ गड़बड़ हो तो रूल्स बदल सकता है। आई लाइक यू डार्लिंग। अबे ये क्या? मैटिनी शो देख लिया? आई एम सॉरी, बाथरूम यूज करना था, मैत्री ने कहा ये उसका रूम है। जानबूझ के दरवाजा खुला रखा होगा। चुबे, अगले एक घंटे तक मैं खुद को आईने में देख रहा था ये चेक करने कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे स्टाइलिश तो मैं हूँ, बस थोड़ा एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर लिया। काफी टेस्टी लग रहा है। थैंक यू यार। है ना? उसको बाद में खाएं। ये मेरी फ्रेंड लीला है। ओह हाय। तुम बाकी सबको तो जानते हो ना? हाय हाय। लीला ये मेरा भाई है। इनसे मिल चुकी हूँ मैं। माँ प्लेट्स कहाँ है? ये लो बेटा, कटलेट लोगे? हाँ। बोनवीटा डालकर दूध दे दूं? मॉम सब बैठे हैं ना। अरे तो क्या हुआ, मैं लेकर आती हूं। मुझे जरा चटनी पास करना। ये कटलेट्स डिग्री पास करने पर ही मिलते हैं। जानते हो मैत्री की ना कई फ्रेंड्स हैं, घर अक्सर आती जाती रहती हैं। पर इसने मुझे घायल कर दिया। शर्ट की कॉलर और बालों के बीच एक बर्निंग सेंसेशन महसूस हुआ। उसकी नजर में लेजर रेस थी, सीधा मुझ पर पड़ रही थी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। तो कल का पक्का है? आ रही है ना? हाँ आ जाऊंगी, तो जल्दी खत्म करेंगे। इससे लीला के बारे में पूछूं या नहीं, भड़क ना जाए। कैसी लगी? नाइस ना? कौन नाइस? जिसे तू घूर घूर के देख रहा था। किसे? ए एक्टिंग मत कर लीला, इजंट शी ब्यूटीफुल? तुम्हें एक बात पूछूं, तुम उसे आज तक घर क्यों नहीं लेकर आई हो? उसे मुझसे छुपा कर रखा। शी इज ब्यूटीफुल, एक्चुअली वो उससे थोड़ी ज्यादा ही है। तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के मुंह से उसका नाम कई बार सुना था, पर कभी बताया नहीं कि वो इतनी कमाल की है। उसके साथ 3 साल मास कम्युनिकेशन, 2 साल विजुअल कम्युनिकेशन। मैं तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बिगाड़ना चाहती थी, वैसे भी 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो। अगर फाइनल ईयर में इंट्रो करवा देती तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट क्लास पास हो जाता, जून में ही डिग्री हाथ में होती। शी इज सो इंस्पायरिंग, शी कांट बी अ डिस्ट्रैक्शन यार। शी इज लीला जोसेफ फ्रॉम कोचिन केरला। आई वॉज जोकिंग, असली नाम लीला रमन, फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र। डिफरेंट स्टेट। पापा तमिलियन, माँ महाराष्ट्रियन। पहले बताना चाहिए था ना, फॉर्म में ऑप्शन भरता, कोल्हापुर में इजीली एडमिशन मिल जाता। कहीं भी एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसी शहर में रहेगी। बाय द वे हम दोनों एक ही डायरेक्टर के अंडर इंटर्नशिप करने वाले हैं, और वो कल से हमारे साथ ही रहेगी। उसके पापा एक बार मिलने आएंगे टू चेक इफ शी इज ओके। जरा फिर से रिपीट करना तो। उसका नाम लीला है, कल से यहीं पढ़ेगी और हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। लाइफ में ना कुछ भी हो सकता है, उसका मेरी लाइफ में आना किसी मिरेकल से कम नहीं था। बेटा। हाँ
रहने दीजिए मैं। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें हॉल में सोना पड़ रहा है। बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, डे एंड नाइट, डेली कंटिन्यूअस 6-7 घंटे, मेरी लाइफ का रूटीन ये बन चुका था। भला हो उस टीवी का जो हमें साथ रखता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, खेलते जा रहा है। मेरी वजह से तुम्हें बाहर सोना पड़ता है। कोई बात नहीं, 5 सालों से इसी काउच पर सो रहा हूँ। पापा सुबह भगा देते हैं तो अगले 2 घंटे उनके कमरे में सो जाता हूँ। आफ्टर ऑल गर्ल्स को अपनी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। आई नीड इट टू। नो प्रॉब्लम, डोंट फील बैड। अच्छा लगता होगा ना घर पे सिस्टर का होना। असल में टॉर्चर होता है, पर कभी कभी ठीक भी लगता है, जैसे कि आज। मेरे घर पर आई एम दी ओनली चाइल्ड, मम्मी पापा और मैं। बहुत बोर होता है, आई स्वेयर। मैत्री तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। कुछ अच्छा भी बोलती है यार। या। ओह। तुम सुपर कूल हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो और एकदम चिल्ड आउट हो। सुकन्या के साथ तुम्हारे अफेयर के बारे में भी पता है, और उसका वो फेमस फंडा। भाई साहब टाइप लड़के पे लाइन मारूं उससे इजी होगा नया बॉयफ्रेंड पटाना, ऐसा ही कुछ कहा था ना मैत्री। हम सबको पता है, अब तक तो पूरा शहर भी जान चुका होगा। यहीं से पढ़ाई की, चर्च पार्क। स्कूलिंग के बाद मेरे पेरेंट्स ने अपने नेटिव प्लेस कोल्हापुर लौटने का डिसीजन लिया। 4 साल की इंजीनियरिंग 5 साल में कंप्लीट की। पापा ने कहा कमाने के लिए कुछ कर लो, तो मैं MBA कोर्स ज्वाइन किया। अभी बस कुछ ही दिनों पहले MBA की डिग्री मिली है, इसीलिए वेला बैठा हूँ। मतलब फिलहाल नौकरी नहीं है। हम सारी रात बातें करते रहते हैं, मोस्टली हम दोनों ही होते हैं। कभी कभी मैत्री भी आ जाती है। अजब की केमिस्ट्री है, गजब की पॉजिटिविटी, जैसे हर तरफ प्यार ही प्यार हो। आई कैन फील इट। लेकिन क्या वो फील करती है? आज हमने एक रोल भी किया। बस स्टैंड पर हीरोइन के पीछे खड़े होना था, बस और कुछ नहीं। क्राउड के लिए भी एक्सप्रेशंस चाहिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो हम भी छोटे मोटे स्टार्स बन गए हैं। वैसे हीरोइन कौन थी? वो सच कहूँ तो वो हम दोनों के सामने कुछ भी नहीं है। खुद को उस बेचारी से कंपेयर मत। शट अप। ठीक है, सच में तुम लाइफ में यही सब करना चाहती हो? प्रोडक्शन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक टू राइट, आई वॉन्ट टू बी अ स्क्रिप्ट राइटर। एक्चुअली हम दोनों टीम बनाकर स्टोरीज लिखेंगे। हाँ भैया, डायरेक्टर के साथ बिहाइंड द सीन्स काम करना मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। 20 दिन की इंटर्नशिप बची है, फिर लीला मैत्री के राइटर डुओ को रजिस्टर कर देंगे। एक ऑफिस सेटअप करना होगा, वो भी कम रेट पर। कुछ पता चले तो बताना। हाँ, पानी देना। पहले एक अच्छी स्टोरी लिख कर शुरुआत तो करो, ये ऑफिस वगैरह सब होता रहेगा। ओके, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सो आई एम गोइंग। तुम दोनों को जागना है तो जागो। थैंक यू। नींद आ रही हो तो बता देना। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। बता ना, रात आने में इतना टाइम क्यों लगता है? फीलिंग मॉर्निंग इज टू स्वेटी मैन। ओहो, स्वेटी। दिन भर तुम लफंडरों से घिरा रहता हूँ। तुम्हारे वही बोरिंग चेहरे देखकर पक गया हूँ यार। बहुत बेइज्जती कर दी, मैं घर जा रहा हूँ। अंकल उस तरफ नहीं, आपका घर इस तरफ है। ठीक है, जाता हूँ। सो क्यूट। ए महेश, अरे सुन तो। अरे रुक तो। क्या टाइम हुआ यार? आंख लग गई थी। देखा मैंने, तो अंदर जाके सो जाओ ना। नहीं, भूख लगी है। फिर से भूख लग गई? हाँ ऑफ कोर्स, 8 बजे डिनर किया था, अब 12 बज रहे हैं, भूख लगी है। Here you go, enjoy. Wow, my favorite. थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मैत्री ने बताया? नहीं तो। तुम नहीं खाओगे? नहीं,
मैं खा चुका हूँ, अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है, कहीं दूर ट्रैवल करने की सोच रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा तो जॉब में बिजी हो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड? काश इतना पैसा होता। जस्ट अ स्मॉल ट्रिप, यहीं साउथ इंडिया। एक्चुअली पिछले हफ्ते जाना था, लेकिन मेरा वो फ्रेंड है ना महेश, उसने कैंसिल कर दिया। और मैं अकेले नहीं जाना चाहता था। ये बात है। एक्चुअली अकेले बाइक पर काफी मजा आ सकता है। सीरियसली बाइक? हे चौंक क्यों रही हो, बाइक है, शिप थोड़ी है। और किसी को बताना मत, घर वालों से सीक्रेट रखा है, वो बाइक सुनेंगे तो अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए बाइक यहीं स्ट्रीट कॉर्नर पे छुपा कर रखूंगा। सबसे पहले जाऊंगा कन्याकुमारी, वहां सनराइज देखूंगा, फिर वहां से ट्रिप प्लान कर लूंगा। वाओ, अगले वीक जाना तो कंफर्म्ड है। सो यू हैव अ गुड बाइक? काफी लंबा रूट है, कौन सी बाइक है? यू हैवंट सीन माय बाइक? नो। तुमने मेरी बाइक? हर शाम को शूटिंग से आती हो, बाहर एक धांसू स्टाइलिश ब्लैक बाइक खड़ी रहती है, तुमने नोटिस नहीं किया? नो, आई हैवंट सीन इट। कम, इजंट शी ब्यूटी? तो ट्रिप के बारे में इनको बता दूं? ए, बड़ा इशू हो जाएगा यार, प्लीज। सेफ्टी का ध्यान रखना, ज्यादा रफली मत चलाना, ओके? बिना इन्फॉर्म किए जा रहे हो, इसलिए ध्यान रखना, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। तुम साथ चलती तो लाइफ बन जाते। ऑलरेडी स्लो चलाने की गाइडलाइन दे चुकी है, मुझे गाइड करने साथ नहीं आ सकती, प्लीज मेरे साथ चलो ना। उस मनहूस महेश के साथ ही जाना पड़ेगा, बहुत क्यूट है यार वो, किसी रोमांटिक सॉन्ग की तरह। अच्छा ऐसा क्या? इतनी स्वीट है कि बता नहीं सकता। कुछ तो बता। उसे तो सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तो दिन रात मेरे साथ रहती है यार। इसे कहते हैं लव स्टोरी। क्या बात है। संगीत जितना ज्यादा सुनो उतना अच्छा लगने लगता है, बिल्कुल उसी तरह इससे मिलके लगता है, क्लीन प्योर लव। हाय। हाय। बहुत बिजी हो, दिखते ही नहीं आजकल। अब सारा दिन घर पर तो नहीं बैठ सकता ना, कॉलेज में थोड़ा सा काम निकला है, कुछ फ्रेंड्स मिलना चाहते थे। मैं कल जा रही हूँ, हॉस्टल जाके सामान पैक करूंगी, अगले दिन ट्रेन है। 2 हफ्ते बाद मैत्री मेरे घर आएगी, वहीं से हम अपना राइटिंग का काम शुरू करेंगे। नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जा रही हो तो मैं भी निकलता हूँ। मतलब मैं अपने रोड ट्रिप पर जाने वाला हूँ परसों, बाइक पे। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट कर लिया, सब करियर सिक्योर करने में लगे हैं तो कोई आने को तैयार नहीं है। महेश जरूर ट्राई करेगा, पर मुझे फुल गारंटी है कि वो लास्ट मिनट पे टांग देगा, उसकी गर्लफ्रेंड्स जाने ही नहीं देंगी, तो कोई आए ना आए मैं तो पक्का जाने वाला हूँ बाइक से ना। पूरी उम्र बस और ट्रेन के धक्के खाए हैं, अब बाइक से जाऊंगा रोड पे, विंड ऑन माई फेस, ऑन माई आरी। मैत्री को कुछ बताना मत वरना मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। घर पे क्या बोलोगे? मैं कह दूंगा कि महेश ने बाइक मांगी है, कल सुबह बाइक उसके घर ले जाऊंगा, परसों सुबह 5 बजे वो गली के नुक्कड़ पर बाइक ले आएगा, कहूंगा सुबह की ट्रेन है, टिकट भी बुक करवा चुका हूँ, अगर वो पूछेंगे तो दिखा भी दूंगा। 6 बजे की ट्रेन है इसलिए 5 बजे निकलना पड़ेगा। I had a great time, सच में अपने घर से ज्यादा यहाँ रहने में मजा आया, रात को जाग के मुझे कंपनी दी उसके लिए थैंक यू। Actually same here. All the best, ride safe. All the best तो तुम्हें कहना चाहिए, कुछ हटकर और इंटरेस्टिंग लिखना, वही बोरिंग रोमांटिक फिल्में मत लिखना। Okay, bye. Bye. सब सामान ले लिया है ना? हाँ पापा। ट्रेन का टिकट है तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास है। Okay. सुनो, ध्यान से जाना, समय पर खाना खाना, भूखे मत रहना, अनजान शहर में किसी से झगड़ा मत करना। ये महेश कहाँ रह गया? वो डायरेक्ट स्टेशन पर ही मिलने वाला है ना? करेक्ट। छोटा बच्चा नहीं हूँ माँ, आई बी फाइन, सिर्फ 5 दिनों के लिए जाके आ रहा हूँ। बोल के वापस आऊंगा। वापस आऊंगा, अब तो खुश हो? बाय पापा, संभल कर जाना। ठीक है, बाय। क्या स्टाइल है, ऐसे खड़ा है जैसे कोई चोर। आ गया, कितना लेट कर दिया यार, बहुत तिकड़म लगानी पड़ी, कैसे मैनेज किया मुझे ही पता है। मैनेज तो मैंने किया है, 5 दिन के लिए दिव्या से दूर जा रहा हूँ, होपफुली ये ट्रिप अच्छी हो। और हाँ, मेरे जैसा दोस्त नहीं मिला तुझे। ये तो लीला है ना? हाँ वही है, यहाँ क्या कर रही है? हाय हाय।
तुम गई नहीं? घर जाने वाली थी, मैत्री ने बताया नहीं। इतनी सुबह यहाँ, इज एवरीथिंग ओके? या ट्रिपल सीट जाएंगे। तुम्हें कंपनी चाहिए थी ना अपनी बाइक टूर के लिए। सॉरी, तुम्हारा फ्रेंड लास्ट मिनट पे डिच करने वाला था ना, शायद आ गया है। नो प्रॉब्लम, कोल्हापुर निकल जाऊंगी, 8:30 की ट्रेन है। दैट वाज द प्लान एनीवे, सो इट्स ओके। तुम चले जाओ। आर यू श्योर? व्हाट, सच में बाइक पर चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। इतना आसान नहीं होगा, रोड ट्रिप बहुत चैलेंजिंग होती है। ऐसे रफ राइड पर चल पाओगी? मेरे भी कुछ रूल्स है, मेरे बारे में कितना जानती हो? तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, तो ट्रिप पर दोनों को संभल कर रहना होगा। समझा क्या? ट्रिपल सीट नहीं, डबल सीट। मैं यही रह जाऊंगा, वो उसे ले जाएगा। इस बार दो साथ में है ना, उसी को ले जाओ। वो भी लड़का है, तुम भी लड़के हो। हाउ एक्साइटिंग। वो नहीं आ रहा, उसे काम है। तू मेरे साथ चल रहा है क्या? नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं बस जाता हूँ। उसको देखते ही मैं समझ गया मुझे घर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल जस्ट लीव। उसे सच में काम है। मैं अगली बार चलूंगी। आई फील रियली बैड फॉर हिम। यार तू अब तक यही है? मीटर डाउन है भाई। चल चल चल, 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 चल। तेरा लगेज। मेरा लगेज मैंने लिया है, तू अपना लगेज संभाल। उसे जरूरी काम था। ओह, बहुत बुरा हुआ। मजे करना। सॉरी, बेचारे का ट्रिप कैंसिल हो गया। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। क्या कहा? सच में? सच में, मैत्री ने भी कभी तुम्हारा नाम ही नहीं लिया। जब भी बात करती थी तो तुम्हें भैया भैया कहती थी। घर पर भी किसी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम्हारे पापा ने भी नहीं। कई बार सोचा डायरेक्टली पूछ लूं, पर पूछ नहीं पाई, मौका ही नहीं मिला। सो व्हाट्स योर नेम? छोड़ो ना, सस्पेंस रहने दो। वैसे मेरे साथ ट्रिप पर जाना तुमने कब डिसाइड किया? तुम्हारा जवाब तय करेगा मैं तुम्हें बाइक पर ले जाऊंगा या तुम्हारे बिना ही बाइक जाएगी। सब बताऊंगी, स्टार्ट तो करो। सच कहूं तो मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी, ये फर्स्ट टाइम है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू, महसूस करना चाहती थी विंड ऑन माई फेस इन ओपन एयर। तुम डिसेंट लगे, फिर मैत्री तो है ही, अगर तुम्हारी शिकायत करनी हो तो। बहुत सोचा, जब तुम्हारा प्लान सुना मैं समझ गई कि लाइफ में ऐसा चांस शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। यही वजह थी, दैट्स इट। आर यू ओके? या या। सो व्हाट्स योर प्लान? कहाँ जा रहे हैं? चलते ही जाओगे या बीच में ब्रेक भी लोगे? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है अब तो बताओ। पहले कन्याकुमारी जाएंगे, वाया सेलम, पालक्कड़, त्रिवेंद्रम। तुम साथ हो तो प्लान में छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, रुकना हो तो बोल देना। वरना तब तक ये बाइक ऐसे ही उड़ती रहेगी रात होने तक। नो प्रॉब्लम, कीप सेलिंग। पानी चाहिए? मैंगो जूस? नो थैंक्स। बिस्किट्स? नूडल्स? ये भी लाइयो। केक? चॉकलेट? तुम्हारा बैग है या किसी मॉल का फूड कोर्ट? पूरे रास्ते खाते ही जाओगी क्या? वेरी गुड। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हम कन्याकुमारी जा रहे थे। हाँ हाँ। काफी अंधेरा हो गया है। अच्छा। रात को रुकने के लिए जगह चाहिए थी, सुबह रवाना हो जाएंगे। हाँ हाँ। ये लीला है, मेरी बहन की सहेली। अच्छा। आप हमारे मेहमान हैं, आप अंदर सोइए, हम बाहर सो लेंगे। लीला, शहर में अगर किसी के घर की घंटी रात को बजाते ना
तो वो पुलिस बुला लेते। सही कहा। शहर का आदमी दिमाग से सोचता है और गांव का आदमी अपने दिल से। दो रूम्स ना? वन रूम। तुम मेरे बारे में कोई राय तो नहीं कायम करोगे ना? अगर मैं एक रूम बुक करवाता तो मुझे ठरकी समझती ना? नहीं। अज्यूम करो कि मैं महेश हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, बिंदास फ्री स्टाइल, जस्ट लाइक अ मैन। ऐसा है? अरे जल्दी चलना यार। मजाक कर रहा था, डरी तो नहीं? नहीं। सिंगल रूम, डबल ऑक्यूपेंसी, ट्विन बेड्स। श्योर। दोनों दूर दूर होने चाहिए। ओके सर। आपका नाम सर? हाँ, आई कार्ड में है, ये लीजिए। थैंक यू। आपका नाम बहुत ही अच्छा है सर। थैंक यू सर। साइन प्लीज। ये रही कीज। थैंक्स। हैव अ प्लेजेंट स्टे सर। हाँ हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वेलकम टू अ फाइव स्टार होटल। लीला, यही चेंज कर लो। आई विल वेट आउटसाइड द रूम। शर्माना मत, बिंदास खाना। हेलो मैडम। लीला, ओए लीला, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, हमें सनराइज देखने जाना है ना? सनराइज देखकर इमोशनल हो गई? झूठी कहीं की। कल पापा को फोन पे बताया कि तुम्हारे घर पर हूँ और 2 दिन के बाद ही लौटूंगी। तुम्हारे साथ होने की बात जानबूझकर छुपाई, ये जरूरी था। मुझे अपने घर के पास ही ड्रॉप कर देना, यहाँ से हार्डली 3 घंटे का रास्ता है। ओके। मैंने भी तुम्हारे साथ होने की बात छुपा कर रखी। क्यों? जरा सोचो, मैं कहूंगा हम दोनों साथ थे पर हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो घर वाले यकीन नहीं करेंगे ना। ये तो सच है। हाँ, पर वो लोग कुछ और ही मान कर चलेंगे, बेकार ही समाज की नजर में बदनाम हो जाएंगे। कुछ गलत किए बिना ही बदनाम हो जाना बहुत ही गलत होगा। अपना नंबर दोगे मुझे? एक्चुअली मैं भी यही कहने वाला था। इसे समवन के नाम से सेव करूंगी, अपना नाम मत बताना। ओके। Thank you.
ये सिर्फ कोई फ्रेंडशिप नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक खास दोस्त नहीं है, वो मेरा फ्यूचर है। मैं कहना चाहता था उससे कि मत जा, लाइफ में कभी मुझे छोड़कर मत जा, पर ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और तभी अगर मर जाऊं तो घर वालों को बताना। नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमसे भी कुछ कहना है ना, कहा तो चैन नहीं मिलेगा, शायद फिर मौका ना मिले। I love you. It was love at first sight. सच कह रहा हूं। मर जाने के डर से मैंने उससे कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूं। जब हॉस्पिटल में होश आया तो खुद को मैंने अकेला पाया। नर्स ने कहा कि तुम मुझे यहां लाई थी, मुझे महेश के नाम से एडमिट करवाया और फिर वहां से चली गई। उसके बाद उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे बहुत डर लग रहा था। हेलो। अरे कहाँ हो तुम, और तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा है, और ये किस नंबर से कॉल कर रहे हो? वो फोन खो गया था इसीलिए नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ का सनराइज बहुत ब्यूटीफुल था। मैं 2-3 दिन में घर लौट आऊंगा, तब तक तुम मॉम को हैंडल कर लेना प्लीज। एक मिनट रुको, मैं मम्मी को फोन दे रही हूँ। नहीं, फोन ठीक होने पर मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, पर तुम आ जाओगे ना? कहाँ ना, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे बता दो कि मैं मम्मी से क्या कहूँ, वो बार बार पूछ रही है। जो मैंने कहा है वही मॉम को बता दो ना। मुझे सब पता है भाई साहब। हाँ, यही जिला सरकारी अस्पताल है क्या? हाँ यही। यस, थैंक यू। तुझे ढूंढने में पूरा आधा घंटा लग गया यार। महेश नाम के 5 पेशेंट थे। आराम से, दर्द हो रहा है। अगर तेरे पीछे मैं बैठा होता ना तो पक्का मेरा टिकट कट जाता। गॉड इज ग्रेट यार। बहुत गंदा एक्सीडेंट था, बाइक पूरी डैमेज हो गई। आज तक उस पर मैंने खरोंच भी नहीं आने दी। बिना बाइक के लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट करके स्पॉट से भाग गया, हिट एंड रन का केस था। वो कहीं मिल गया ना तो। लीला भी यहाँ नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है और किससे पूछूं। बताने वाला भी कोई नहीं है। हेलो। हेलो, मैं हूँ लीला। हे, कहाँ हो तुम? सब बताऊंगी, पहले बताओ कि तुम कैसे हो। I'm fine, तुम कैसी हो? सॉरी, 3 दिन बात नहीं कर पाई। हॉस्पिटल फोन करके तुम्हारा हाल पूछा था, उन्होंने बताया कि तुम अब पहले से बेहतर हो। थैंक गॉड। आई एम फीलिंग बैड, तुम्हारे पास रुक नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी, जाना पड़ा। घर की सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स को मारने की कोशिश की गई और मम्मी 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 ठीक नहीं है और पापा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उनके साथ ही हूँ, डॉक्टर्स ने कहा कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। उन लोगों से बचने के लिए एक हॉस्पिटल में छुपे हैं। क्या? जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ वो लोग मुझे ही मारने आए थे, वो एक्सीडेंट नहीं था। क्या कह रही हो, ठीक से बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हें लेके आए तो मेरे पापा का फोन आया था, वो बहुत डरे हुए थे। उसी समय उन लोगों ने चाकू से हमला किया, चीखने की आवाज सुनी, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। वहां मत रुकना प्लीज, गो, बाद में बात।
यानी वो ट्रक खास उसे मारना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ वो लोग लीला की जान लेना चाहते थे और वो जानते भी नहीं कि वो लोग कौन है। कुछ समझ में नहीं आया, उसने इतना ही बताया। खतरनाक केस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तुझे भी पता नहीं वो कहाँ है, फिर भी उसे ढूंढने जाएगा, उसके पास जा रहा है ना। सच में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? एक्सीडेंट के बाद जब मैं रोड पे गिरा था, हाँ, मैंने उससे कहा मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने प्यार कन्फेस कर दिया। उस वक्त जब तेरा एक्सीडेंट हुआ? उस वक्त मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो बता दिया। माँ को फोन करने का मन नहीं हुआ? पापा को तो बाय भी नहीं बोला, दोस्तों को तो याद भी नहीं किया? उस वक्त हजारों ख्याल दिमाग से गुजर रहे थे, पर सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उससे आई लव यू कहने की। सच में पागल है तू। कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ दूंगा, मेरा प्यार उसका सपोर्ट बनेगा। उसके पापा का नाम क्या है? रमन ना? रमन आगे से राइट आणि दुसरे मजलेवर सेकंड फ्लोर। मराठी में सेकंड फ्लोर तो बोला। एक्सक्यूज मी, अस्पताल में कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है सर? ये हमें कोई जवाब नहीं देगा। यहाँ पूरा हॉल खाली है, अजीब है ना। लीला, लीला कौन है? मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम अंदर जाओ। देखो रो मत। पापा कैसे? वो इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर हैं, उनका बचना मुश्किल है, 10 जगहों पे घाव लगे हैं। और आंटी? उनके सिर पर वार किया और जब बेहोश हुई उन्हें चाकू मारा, लेकिन अब काफी बेटर है, दोनों अंदर ही हैं। हुआ क्या था? शायद मैं कुछ कर पाऊं। ये किसने और क्यों किया मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं जानता। तुम यहाँ क्यों आए? तुमसे घर जाने को कहा था ना, पहले ही चोट लगी है। It's okay, I'm fine. एक आम इंसान कभी नहीं सोचता कि जिंदगी में ऐसा भी कुछ होगा। तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कैसी भी सिचुएशन हो मुझे तैयार रहना चाहिए। मुझ में वो कॉन्फिडेंस है जिसकी जिंदगी में जरूरत है। सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस, और ये बात साबित करने का सही वक्त आ चुका है। ये मेरा फाइनल एग्जाम है लीला, और आज पहला पेपर है। रमन की बेटी? ये हॉस्पिटल है या तुम्हारा घर? इतनी भीड़ क्यों है यहां पर? चलो कट लो। इनको तो मैं देखता हूं। रुक, ओह माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड? मैंने नहीं जानती, आई एम सो सॉरी। दोनों कायर भाग गए, रोड तक पीछा किया मैंने, तू ठीक है ना? कौन थे वो लोग? मैंने कहा ना नहीं जानती। हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ और नहीं रुक सकते। तू ठीक है ना? सब कुछ बहुत अजीब है, चल यहाँ से निकलते हैं। हे गाइस, आर यू ओके? आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट। ये चाकू उठा लो। क्या ये? इसे अपने पास रखो, अगर वो वापस आए तो इसे यूज करो। मेरे साथ चलो। तू बोल कहाँ जाना है? नीचे रिसेप्शन पे, आप सब यहीं रुकिए।
एक्सक्यूज मी, व्हाट इज हैपनिंग? यस सर, उनको देखा नहीं क्या? सर, उन्होंने हम पे अटैक किया, तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? दे हैड अ बिग नाइफ, कैन यू प्लीज कॉल पुलिस को बुलाओ प्लीज। यहाँ पे पुलिस स्टेशन कहाँ है? यहाँ से 40 किलोमीटर। क्या इस हॉस्पिटल में आने जाने के लिए कोई और एंट्रेंस है? हाँ, पीछे से एक एंट्रेंस है। अरे यार, पुलिस आ गई, देख रहा हूं, चलो। काय प्रॉब्लम है, लफड़ा क्या है? सर, हर फादर मिस्टर रमन इज एडमिटेड अपस्टेयर्स, ही वाज अटैक्ड 3 days अगो, नाउ 2 guys ट्राइड टू किल हर, वी नीड सम पुलिस प्रोटेक्शन, शुड वी पुट अ लेटर? इंग्लिश वीक, अब इसका नो अंडरस्टैंड। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करने का, लिखने का और देने का, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए ऐसा बोलने का ना? ये हु यू? मैं इनका फ्रेंड हूँ, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हु शी? इसका नाम लीला है, मिस्टर रमन की बेटी है ये। तेरा नाम क्या है? चेन्नई सर। तुम्हारा नाम चेन्नई है? चेन्नई? सर मेरा नाम चेन्नई नहीं है, मेरा घर है वहां, रेसिडेंस, नेटिव प्लेस। अभी कौन आया था, क्या हुआ? दो लोगों ने मुझ पर हमला किया, इसने मार भगाया। मारा क्या? ए, मारना नहीं था, पुलिस को फोन करने का था, अब उन ताबड़तोड़ आता था। सर, ही वाज स्विंगिंग द नाइफ, एट दैट टाइम यू वांट मी टू कॉल यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू पुट द नाइफ डाउन, बाय द टाइम यू वुड हैव कम दे वुड हैव किल्ड हर एंड वी वुड ऑल हैव बीन डेड। ओह, इंग्लिश, उनके पास चाकू था, चाकू अभी ऊपर पड़ा है, वो भाग गए, पर हम डरे हुए हैं, क्या आप हमें थोड़ी सिक्योरिटी दे सकते हैं? तू है ना बेटा, उनको सब कुछ करने का, देखने का, सुरक्षा का वच बनने का, नैपी पहनाने का, सब कुछ करने का। यू हियर? पुलिस गो, रन 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 ना। सर, मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे पता नहीं आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। ए कामत, इधर आ। इससे कुछ नहीं होने वाला। कहता अंबे, डाउन बग। हो साहब। अबे तू नहीं, कामत को भेज। सर, सर, दे आर कॉलिंग यू, कामत, जाइए। वो आपको बुला रहा है। यार ये सही आदमी नहीं है, ज्यादा रोड भी है, मत कर, आराम से बात करो उससे। अरे गाड़ी में वही आदमी है, देखा मैंने, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सब समझ में आ गया मुझे। बोला काय समझ ले, हाँ हाँ, चल मेरे साथ, चल चल चल। कौन? सोपा सोपा, तुम्हें सोती रहो आंटी, सोती रहो। बेटा ये सब क्या हो रहा है? रिलैक्स मामा। साहब यही सब हथियार मिला है। ठीक है हम आ गए, मैं सब कुछ हैंडल कर लेगा, यहाँ पर मेरे को तमाशा नहीं चाहिए कोई। चलो तुम लोग सब निकलो बाहर, चल चल चल, ये चल निकाल निकाल, चला। मेरे पेरेंट्स यहाँ एडमिट हैं, एक दोस्त चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके। सिर्फ हम दोनों यहाँ रुकेंगे, विल बी हियर। बस बेटा, तू बोला ना, दो लोग आए थे, इतना देख के मेरे को समझ ला, तेरे को यहाँ रुकने का नहीं, जाने का, गो। नहीं सर, ये अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहती है, हम यहीं आसपास रुकेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इधर एक ही आदमी का परमिशन है, उस लड़की की आई ठीक है ना, उसका हस्बैंड को अटेंड कर सकती है, बेटी भी यहीं रुकना चाहती है, उसके पीछे पीछे तू है, तेरे पीछे पीछे तेरा दोस्त। काना फूट। ये ऐसा हॉस्पिटल नहीं लगता जहाँ रूल्स फॉलो होते हैं सर। इधर हॉस्पिटल का रूल नहीं चलता है, इधर मेरा रूल चलता है। चाहे जो भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। आपको जो करना है कर लीजिए। अपना स्टाइल से समझाते है इसको। क्या बोला रे तू? गाली देता मेरे को, मेरे को गाली दे रहा है तू? मेरे को शिकार रहा है? ए, तू भी इसमें मत आ रहा है, आज हम लोग को पाठ पढ़ाने को आए। नहीं सर। मैंने पट्टी कर दी है, थोड़ा सा खून बहेगा, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो अभी। तुम चोट को हाथ मत लगाओ नहीं तो फिर से खून बहने लगेगा। Fine, are you even a doctor? I'm a doctor, I know. मैं आपकी मदद कर रहा हूं। ये किस तरह का हॉस्पिटल है? Calm down, sir. क्या तुम लोग जानते भी हो कि आज यहाँ क्या हुआ? Please, आप मेरी बात सुनिए। I know, I'm fine. यार ये क्या हो रहा है? यार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, पुलिस वाला ऊपर है। सर ड्रेसिंग करने दीजिए। प्लीज प्लीज। कितने पुलिस वाले? एक ही है बस, दूसरे सब चले गए। दूसरे मतलब? जिस टकले ने तुझे मारा और दूसरा पुलिस वाला, वो दोनों गए, तीसरा कोई नया ही है। तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स? वो भी चले गए, उस टकले ने उन्हें भेज दिया। नहीं नहीं, तुम लोग समझ नहीं रहे, इसके मम्मी पापा को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते, जल्दी उनके पास जाना होगा।
सिस्टर तुमको इधर क्या चाहिए? मुझे अंदर जाना है। जाओ अंदर, अभी बाहर नहीं आना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। नर्स को अंदर भेज दिया, कैमरा बंद करा दिया, आपका खाना परोसूं, ज्यादा देर मेहमान बन के नहीं रुकने का। काम करो और निकलो यहाँ से। मिसाल लो। मैंने गोली चला दी। अपने बच्चों को बहादुरी के बहुत किस्से सुनाने थे। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, बस से टकरा गया, रोड पे बेहोश हो गया, फिर भी सही सलामत निकल आया। चाकू लिए गुंडों से लड़ाई की, बेईमान पुलिस वाले को मारा। पता नहीं उसका क्या हुआ, उससे गन छीनी। किसी को मारने आए तो बदमाशों को उसी की गन से शूट कर दिया। पर अब किसे बताऊंगा? अपने बच्चों को कैसे कहूंगा कि मैंने गोली चलाई? प्लीज यहीं रुक जाइए, अब यहीं सेफ है। हमें मदद की जरूरत है, प्लीज नर्स को बुलाइए ना। मैं बुलाता हूँ। गोली की आवाज सुनी? गोली? ये क्या किया तूने? तूने दोनों को मार दिया, अब क्या करेंगे? तू पागल हो गया क्या? इन दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? हाँ मारा मैंने, गोली शूट कर दिया मैंने। गोली क्यों चलाई? ये इनका खून करने आए थे, चुपचाप खड़ा रहकर देखता। तूने मर्डर कर दिया तो अंकल आंटी दोनों को मार देते और मुझे कौन सा जिंदा छोड़ते? तब चैन आता तुम्हें? बहुत गड़बड़ हो गई है। तू जा यहाँ से। बुरे फंस गए, अब क्या करेंगे? तू ऊपर ही क्यों है? लीला कहाँ है? वो बाहर सेफ है ना? चलो माँ, आप ठीक है? आप ठीक है ना? तूने कुछ आगे सोचा है क्या करना है? इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल में रुकते तो वो लोग आज हम सबको मार देते। जरूर हमें फॉलो कर रहे होंगे। पुलिस भी मिली हुई है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट में एक भी ईमानदार ऑफिसर नहीं है यार? कोई तो होगा, इन्हीं के घर ले जाएगा। कोई फायदा नहीं, वहां ऑलरेडी फील्डिंग लगा के बैठे होंगे। किसी और हॉस्पिटल में जाना होगा। तू अपने फोन से पता लगा कि यहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, यहाँ से कितनी दूर है। ठीक है, देखता हूँ। एक हॉस्पिटल है, हाँ शायद कारवार में या बेलगाम में है, चेक करना। 50 किलोमीटर दूर है शायद। लेकिन सबसे पहले हम किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहां जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। वो लोग जरूर हमारी मदद करेंगे। जब तक इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा देते, इन्हें मौत से लड़ना ही होगा। पुलिस स्टेशन जाकर क्या कहेंगे कि तुमने दो लोगों का मर्डर किया है? पागल हो गए हो? सच बताने की हिम्मत है क्या? वो हमारी बात मान लेंगे? उन्हें माननी होगी। प्लीज शांत हो जाओ यार। साहब आपने घर तक जाने के लिए गाड़ी ली है, घर पर्यंत छोड़ी। इसके आगे जाने का ठेका मैंने नहीं लिया है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। यहाँ सबकी जान खतरे में और इससे ड्यूटी की पड़ी है, बोल रहा है नहीं जाएगा। महेश इसके बिना काम चला लेंगे, इसको बोल यहीं उतर जाए, हम लेके। अरे संभल के, स्टीयरिंग संभाल, स्टीयरिंग संभाल, ड्राइवर मर गया। देख सामने, देख मैं इसे हटाता हूँ। क्या नीचे गिर गया वो? दरवाजा बंद कर, तू गाड़ी चला, मैं देखता हूँ, शायद पुलिस की गाड़ी है, संभल के। आराम से, आराम से, सामने देख। वो हमारा पीछा कर रहा है। उनसे पीछा छुड़ा यार। कुछ नहीं होगा, तेज चला, गाड़ी निकाल यहाँ से, जल्दी। शांत रह, मुझे फोकस करने दे, जल्दी संभल के। तू जरा 2 मिनट शांत रहना। शांत हो जाइए, पलट गई, पलट गई जीप, बच गए। तो शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। शहर की तरफ चल, जल्दी जल्दी जल्दी, फुल स्पीड, स्पीड बढ़ा।
अरे यार तू गाड़ी चलाना कब सीखा यार? अरे नहीं सीखा यार, ये मैनेज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते रहे, बस आगे बढ़ते रहे। सामने देख, वो हमसे टकराने वाला है। गाड़ी क्यों रोक दी? ए, सबको गाड़ी से बाहर निकाल। क्यों डर? कुछ नहीं होगा। उसके पास गन है, गन है उसके पास। ए, नीचे उतर। उतर उतर, खाली उतर। तो तू है वो? सबको बाहर निकाल, कोई छूटना नहीं चाहिए। हीरो बनेगा? पेट में लगी, दर्द हो रहा है यार। It's okay. ए, नीचे नीचे बैठो सब। असली हीरो अंदर लेटा है। नीचे बैठ, नीचे बैठो सभी। चले लंगड़े बैठना। अबे तू भी बैठ। हाँ ठीक है, बैठता हूँ बैठता हूँ। तू ही लीला है ना, तेरे को ही मारने आए थे, ये फोगड़ में बीच में आ गया, प्लान फेल किया। कहाँ से शुरुआत करूँ बोल? हाँ देख वो बुड्ढा जिंदा है क्या? सारे कनेक्शंस काट दे। सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज सर, सर ऐसा मत कीजिए, सर उन्हें जाने दीजिए। तेरे को बहुत दर्द हो रहा है, कोई चक्कर है क्या? कुछ नहीं लगती मेरी। हीरो बनता है? नहीं सर। तूने ही हॉस्पिटल में मेरे आदमियों को मारा ना, पहले तुझे ही लुड़काता हूँ। नहीं सर, से शुरुआत करूं? चल रेडी हो जा। नहीं 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 नहीं। ए बुड्ढा ऑफ हो गया है, तू जा चल, तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं, चल भाग जा यहाँ से। सर, चल निकल। सर, मेरी बात तो सुनिए। उसे क्यों मारा यही सोच रहा है ना? इसको मार दिया। ए जीरो, नहीं समझा? कहीं जाके मुंह खोल दिया तो अपन का नाम नहीं आना चाहिए, समझा? अब ये जो बंदूक है ना, इसे तू पकड़ेगा, तेरे फिंगरप्रिंट्स आएंगे। चल पकड़े से, अब इन सब को तू ही टपकाएगा, समझा? तेरे दोस्त को, इसको, इसकी मम्मी को, इसके बाप को। चल रेडी हो जा, चल 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 प्लीज। और सबसे लास्ट में खुद को गोली मारेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। चल पकड़। नहीं सर। पकड़ रे, खिलौना है, पकड़ पकड़। हीरो का काम खत्म। ए अब विलेन बनने का काम आया है। हाँ नहीं चल सर। पकड़ रे, पकड़ ना, नहीं पकड़, ऐसे पकड़। नहीं कर सकता। क्या? मैं नहीं कर सकता। क्या क्या? मुझे गन नहीं पकड़नी। अबे पकड़ना, मुझे गन नहीं पकड़नी है। क्या? नहीं बोला ना, बोल रहा हूँ, नहीं पकड़नी है, नहीं पकड़नी है। बहुत शौक है गन देने का। देना, भाग। उसको जिंदा मत छोड़ना, किसी को जिंदा मत छोड़ मार। अरे अब आओ ना, आओ मार डालो उन सबको। बताना नहीं चाहिए। बस बस, थैंक यू, थैंक यू यार, तूने सबको बचा लिया, भाग गए सबके सब। हिम्मत है तो आओ ना। चलो एम्बुलेंस में बैठ जा, चलो। मामा क्या ये ठीक है? मामा प्लीज आप घबराइए मत। अब क्या करेंगे? अब प्लीज मत घबराइए। उनसे पूछ के आऊं क्या? नहीं नहीं हम कुछ करते। कोई दिख रहा है क्या? नहीं। तुम्हारे पापा कैसे हैं? पता नहीं, नर्स ने सपोर्टिंग सिस्टम नहीं हटाए थे। वो लोग कितने लोग थे? चार या फिर पांच, आसपास ही होंगे, हमें निकलना होगा। जल्दी किसी सेफ जगह पर चलते हैं, एम्बुलेंस में बैठ जाओ प्लीज, लेट्स गो। एक जगह है। कहाँ पे? एक डॉक्टर है, फैमिली फ्रेंड्स, डॉक्टर यशवंत का घर है ना मॉम, वहीं चलते हैं, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। कॉल करो, जल्दी कॉल करो। लीला तुम ठीक तो? मैंने पापा को इन्फॉर्म कर दिया, यू डोंट वरी। लीला कहाँ चला अचानक? प्लीज देखिए ना, डैड बहुत क्रिटिकल है। चलिए क्या, जल्दी। ओके, डोंट वरी। हाउ कैन दिस हैपन? ओ गॉड, जख्म बहुत गहरा है। अतुल आप फिक्र मत कीजिए, ही विल बी फाइन। इसे बहुत गहरी चोट लगी है यार, पांव में ना कंकड़ चले गए हैं, बहुत चुभ रहे हैं। मैं इस वक्त इतना ही कर सकता हूँ, मैंने ट्रीटमेंट तो कर दी है, लेकिन नर्स की हालत अब भी नाजुक है, तुम्हारे पिता की हालत भी बहुत नाजुक है। उनकी हालत अगर सुधारनी है तो उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना होगा, अगर ऐसा ना हो पाया तो शायद ही वो जिंदा बच पाए। और हाँ, हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे, हम यहाँ से। ऐसी बात कर रहे हैं, प्लीज प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। देखिए ये नहीं जानते, आप नहीं जानते क्या हुआ था। मैं आपके हालात समझता हूँ,
जानता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया। पुलिस भी ये बात समझ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं। मैं पर्सनली कई पुलिस वालों को जानता हूँ और मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगा। जैसे एसीपी देवांशु, उन्हें कॉल करता हूँ। अंकल गलती कर रहे हैं, सारे के सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं, हम सबको जेल में डाल देंगे। तूने तो 3-4 लोगों को मार डाला है। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी पर भरोसा करना चाहिए, हम फंस जाएंगे। कहो तो पापा से बात करूं। तुम्हारी मर्जी। फोन पर उन्हें इतना सब कैसे समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता। क्या कहूंगा, लीला के साथ क्यों हूं। कल तक जिंदगी बिल्कुल बेलगाम तरीके से जी रहा था, लेकिन आज सडनली मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। आई फील लाइक अ मैन। कभी भी कुछ भी हो सकता है और मुझे चुनौती का मुकाबला करने तैयार रहना है। ना हम पुलिस हैं, ना गुंडे हैं, ना गैंगस्टर हैं। जिंदगी भर वायलेंस से दूर रहे। मैत्री के लिए तुमने किसी को मारा, एक छोटा सा झगड़ा हुआ, थोड़ी हाथापाई हुई, बस कभी खून खराबा देखेंगे, किसी की जान लेंगे नहीं सोचा। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं। आज मेरे हाथ में एक गन है, एक्चुअली 2 गन्स हैं। 4-5 लोगों को शूट किया, कितने मरे पता नहीं। अब तक बस फिल्मों में यह सब देखा था। अब इनकी जरूरत नहीं है, हम यहां पर सेफ हैं। डरने की कोई बात तो नहीं ना। आई होप सो। ये मामला निपट जाए तो पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। सही बोल रहा है। I'm really very sorry. ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। शायद इसीलिए भगवान ने हमें मिलाया होगा। तुम मेरे घर आई, फिर वो रोड ट्रिप हुई। सोचो, बिना वजह दुनिया में कुछ नहीं होता। हमारे प्यार के लिए कह रहा हूं। एक्सीडेंट के दिन भी मैंने तुमसे यही कहा था, क्योंकि रहा नहीं गया। शायद मेरा टाइमिंग गलत था, पर जो कहा वो दिल से कहा था। उस रोड ट्रिप के दौरान यहां पर मुझे कुछ फील हुआ। अभी भी सिचुएशन गलत ही है, लेकिन अब भी बात दिल से ही कह रहा हूं। लव यू यार, तू सच्चा दोस्त है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। लीला, अगर इतने बसन काय करते तू, कम इनसाइड। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पुलिस को बताऊंगा कि आप लोगों ने उनकी मदद की। बाय द वे, अपना नाम नहीं बताया। डैड, मैं मोटर ऑन करके आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नल में पानी नहीं आ रहा है। घबराओ मत, यहीं रुको, मैं इनसे बात करता हूँ। मैंने इनको मना किया था ना। ये तो वही है। आता बस जाल, अब कुछ सुनने का नहीं, सीधा जीप में बैठ जा। पुलिस वाले को मारा, गन भी चुराया, देख तेरे हाथ में जाए। चल जीप में दी बैठ। और हाँ, गन क्यों? चल दे, जल्दी दे। क्या आप इसी ईमानदार ऑफिसर की बात कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं जानता। मैंने तो कंट्रोल रूम में फोन करके एसीपी देवांशु को यहाँ बुलाया था, इन्हें नहीं। मुझे देवांशु नहीं भेजा है। तुम भेजा मत खाओ अंकल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहा है तू। ये लोग ना, ये लोग बहुत डर्टी फेलो, बैड फेलो। अब चल चल गाड़ी में बैठ जल्दी। अब देख मजा, अब देखते रहे तू। ये तो वही है, ये अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। महेश अंदर जा, लीला को लेकर जा। चलो लीला, चलो अंदर। अरे बेड़िया, वाट लगा दिया ना, अभी घोड़ा लेके अपने पे ही चढ़ रहे हैं। ये चल चल चल, अभी गाड़ी में बैठता क्या? बैठता है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नो गन्स, नो गन्स। अरे ऐसा काय करता तू भी? ऑफिसर ऑफिसर प्लीज, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अतुल काय करतोस तू? गंदी चरक, गंदी चरक। ये क्या है?
सामने से गोली सीधा मेरे सर पे मारा, भेजा बाल बाल बच गया मेरा। अतुल पापा ये क्या चल रहा है? अतुल मैं आपको सब बाद में समझाता हूँ, प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन, आप अंदर जाइए। अतुल गन नीचे रख। अरे यार अंदर आ जाइए, अंदर जाइए, तू भी आ जा जल्दी, चलो चलो बंद कर, जल्दी जा अंदर जा, मैं बंद करता हूँ, तू जा अंदर, पीछे से घेर रहा, ये कोई रास्ता है क्या अंदर जाने का? डॉक्टर आप चाहते क्या है, क्या आप हमारे साथ हैं या उनके साथ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या मैंने नर्स का इलाज नहीं किया, तुम सबका इलाज नहीं किया? आने जाने का कोई और रास्ता है? हाँ बालकनी, वो ऊपर से भी आ सकते हैं। सबको अंदर लेके जाओ, वहीं बैठना, बाहर बताने देना, डॉक्टर प्लीज गो। तुम अंदर जाओ। अतुल क्या कर रहा है तू? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अतुल ये क्या कर रहा है तू? इन निर्दोष लोगों को क्यों मार रहा है? पागल हो क्या क्या? मेरे भाई को तुझे क्या मिलेगा? क्यों मार रहा है इन्हें? क्यों मार रहा है? भोग डालेंगे। आजा 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 आजा। आप सामने हट जाओ। नहीं हटूंगा मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, इन निर्दोषों को मारना बंद कर, मैं नहीं हटने वाला। अच्छा नहीं किया है। वहीं रुको, बात बताना। आगे तुम्हें क्या मिला इन दोस्त लोगों को? तेरे बाप को बोल दे जाटे को, नहीं तो उसको भी उड़ा देगा मैं। मैं नहीं हटूंगा, पुलिस को फोन करके मैं तुमको अंदर करवाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। हेलो पापा, गो इनसाइड। मैं यही कह रहा हूं, मैं और भी अच्छा नहीं देख सकता। बाप मैं तो मुझे मारो, मारो मार गोली, मैं यही कह रहा हूं, मारो। अयो बस कर बेटा, अतुल बस कर, खून करावा बंद कर दे बेटा, प्लीज तू बाहर मत जा, नहीं सब के सब मर चुके हैं, माँ को मार दिया, आयश को मार दिया, कंट्रोल योरसेल्फ, दोनों को क्यों मार रहा है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अबे लाइट बंद कर दिया, किधर छुपेगा तू? देखो भाग रहे हैं। लेट्स गो। कितना गोली है उसके पास? गो गो गो। भर के लाया क्या? चलो। आवाज मत करना। अभी कोई नहीं। लेकिन यही मौका। लेकिन माँ, माँ को छोड़ के नहीं जा सकते। चलो हमें जाना चाहिए। उन्हें कैसे छोड़ सकते? और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी करो लीला। चलो मेरे साथ। लेकिन चलो चलो, come on, come on। गोली मारेगा तू? हमको गोली मारेगा? ये तो वही है, श्रेया शूट है, श्रेया शूट है, मारेगा हमको, मारेगा। तुझे मालूम नहीं हम कौन है? मैं कहती हूँ रुक जाओ। अत्ता दाखा तो तुला मी, प्लीज प्लीज मत लड़ो। Please stop it. गन दो मुझे। चुप जा। Shh.
डर गया रे। मैं इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं था। खुद भागने के बजाय अपने डर को भगाना चाहिए। क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पुलिस का काम होता है लोगों की हिफाजत करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं पता कि किस पर भरोसा करूं। महेश, महेश तुझे नहीं बचा पाया। तेरी मॉम डैड क्या जवाब दूंगा? वो नर्स, तुम्हारे माँ बाप, उनके साथ आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब किसी बात का डर नहीं है, अब नहीं भागूंगा। वैसे भी मुझे अरेस्ट करने वाले हैं, चलेगा, जो होगा देखा जाएगा। अब एक बात समझ में आ गई है, मरना मुश्किल नहीं है, कम जिए या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे हार नहीं मानूंगा, किसी हाल में नहीं। कहीं से भी उन्हें मैं ढूंढ निकालूंगा, फिर क्या करूंगा जानता नहीं, लेकिन उन्हें माफ नहीं करूंगा। पूछूंगा कि यह सब क्यों किया। आज उन्होंने जो किया उसकी वजह से मैं खूनी बन गया। कहां जाना चाहती हो तुम? तुम्हें ड्रॉप कर देता। कहीं नहीं जाना, जहां तुम जाओगे मैं साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा। पहले आप अंदर चलिए। चलिए पापा, मैंने कहा ना मैं आपको सब बता दूंगा, आप प्लीज चलिए अंदर। चाहिए प्लीज चाहिए अंदर। मेरा बाप एकदम येड़ा है रे। दूसरा येड़ा कहाँ है? काले आए मुझे, हा? अरे काले क्या है? कहा ना मैं आपको सब बता दूंगा, आप चलिए यहाँ से। लीला मुझे कमजोर मत बना, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। ना तो मेरे पास शोक मनाने के लिए कोई वक्त है, ना ही एनर्जी। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है लीला।
पहला रूल है सेफ्टी, एक रूम लेकर वहां पर छुपी रहना। ये गन रखो, जरूरत पड़ेगी। अगर डर लगा तो गोली चला देना। बहुत ध्यान से अंदर जाना, उनकी नजरों में मत आना। रूम से मुझे फोन करना, महेश के नंबर पर कॉल करना, रूम नंबर बताना। उसके बाद मैं अंदर आ जाऊंगा। सिंगल ऑक्यूपेंसी फॉर वन डे चेक इन करना। ओके, यू विल बी फाइन, डरना मत। गो, डोंट वरी, गो। अपना चेहरा ढक कर जाओ, ठीक से ढको, जाओ, मुझ पर भरोसा करो, अब जाओ। मेरे दिमाग में एक प्लान बन रहा था, अतुल और डॉक्टर का रूम ढूंढने का। उनसे मुझे सच जानना ही होगा। इस गेम का मास्टरमाइंड कोई और ही है। तूने सबको मार दिया, कोई जिंदा नहीं है। वो सबके सब निर्दोष थे। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा उन लोगों को? क्यों मारा? पापा, रिलैक्स, रिलैक्स। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। शांत हो जाइए प्लीज, काम डाउन। रिलैक्स, ओके, काम डाउन। आई एम अ डॉक्टर, आई सेव लाइफ। बहुत बड़ा लोचा हुआ है यहाँ पे, ओके? काम मत पहुंचता ही होगा। सिर्फ 10 मिनट दीजिए मुझे, 10 मिनट मांग रहा हूँ ना मैं आपसे। यहीं रहिए, कहीं मत जाना। देखिए आप आ रहे हैं ना, पापा बहुत नाराज हैं। वो सच जानना चाहते हैं। उन्हें फोन दूं? आप बात करेंगे ना? एक मिनट। अतुल, तेरे पापा कहाँ हैं? डॉक्टर, गोली चलाने पे मजबूर मत कर। क्यों मारा सबको? जल्दी बता वरना मार दूंगा। मेरे दोस्त को क्यों मारा? कौन हो तुम लोग? किसके कहने पर किया? क्यों मारा उसे? लाइफ कभी आपकी मर्जी से नहीं चलती, कभी कभी हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं। लीला, रूम से बाहर आ जा। अच्छा। बैग लेकर आना, रूम में कोई सामान मत छोड़ना, जल्दी आ जा। सब ठीक तो है ना? नहीं, सब खत्म हो चुका है, सिर्फ वो पुलिस वाला बचा है। जल्दी बाहर आ।
देखो बिल्कुल घबराओ मत, आराम से आ जा लीला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी आ जा। कहाँ हो तुम? हाँ मैं यहीं हूँ बाइक पर, आ जा। जल्दी लीला, रमन की बेटी, चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरी मॉम को मारा, मेरे डैड के साथ क्या किया बताओ? क्या किया मेरे डैड के साथ? चल ए पूरी, चल चल, तेरी तो लीला, जल्दी बाइक पर बैठो। और खून खराबा मत करो प्लीज, चलो चलो यहाँ से, चलो। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो भाग गया है। तुम लोग ऊपर जाके देखो। अरे जाओ ना उधर जाके देखो ना। हुआ है साहब? जाओ ऊपर देखते हैं। हेलो, हाँ निका मत बोलते, गाड़ी नंबर नोट कर, MH102545। अबे दाढ़ी वाला पालकी चौकी की तरफ जा रहा है, उसको उठाने का सीधा गेस्ट हाउस लाने का, पुलिस चौकी मत लेके जाना। ए क्या हो रहा है इधर? हेलो ऑटो इधर से, निका निका आप बाहर जाओ, ठीक से चक्कर। रोलो जितना रोना है रोलो, अपना मन हल्का कर लो। I'm really sorry. सब गड़बड़ कर दिया, काश मैं आज जो भी हुआ सब बदल पाता। उस हॉस्पिटल से तुम्हें बाहर निकाला वरना वो तुम्हें मार देते, पर कोई फायदा नहीं हुआ। I'm really sorry, Leela. It's all my fault. तुम सॉरी मत कहो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? महेश भी नहीं रहा, हमारी मदद के लिए आया था वो, उसे भी मार दिया। वो बस 20 साल का था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो चला गया। घर जाकर उसके पापा को क्या जवाब दूंगा? कैसे उसके पेरेंट्स के सामने खड़ा रह पाऊंगा? इसे मत मारो, ये पुलिस वाला है, प्लीज प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट शूट, आई एम टेलिंग यू, चलो। वाह, इधर छुप के बैठे ले, तेरे को कैसे पहुंचाने का पता है मेरे को? गन किधर है? वेयर गन? वेयर वेयर वेयर? सर प्लीज सर, आई थ्रू देम अवे। डू नॉट हैव इट, बहुत इंग्लिश झाड़ता है तेरा लवर। कहाँ पे उठे? वेयर? पता नहीं, समवेयर। समवेयर चीरकूट? अच्छा हाँ। ये क्या है बे? अबे तू बोला गन नहीं है?
नहीं। अभी देखते रह लो और प्लीज इसे मत मारना। लीला प्लीज लीला देखो देखो सब ठीक हो जाएगा लीला प्लीज लीला तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा लीला लीला नहीं भगवान क्या हो गया। आखिरकार उसने लीला को भी मार दिया लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसे नहीं मार पाया। आखिर वो एक पुलिस ऑफिसर था और मैं एक आम आदमी कानून को अपने हाथ में कैसे लेता। लीला लीला तुम ठीक हो? लीला लीला कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो ना लीला? कुछ देर सह लो बस सब ठीक हो जाएगा। मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। घबराओ मत लीला मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। मुझे मरने दो नहीं जीना चाहती मैं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुम यहाँ से सेफली चले जाओ प्लीज। बिल्कुल नहीं प्लीज। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मरने से पहले तू मुझे अपना नाम बता दो। I'm not going to let you die. तुम्हारी जान मेरी जान है। बिना नाम जाने चली गई तो अगले जन्म में कैसे ढूंढ पाऊंगी। हालांकि अब बताने का कोई फायदा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू टू एक्चुअली। तुम मेरे हीरो हो इसलिए नहीं कि तुमने मेरी मदद की। जानते हो ये कब हुआ? बोलो ना जानते हो? जानता। तुम बताओ। कन्याकुमारी हमारे होटल रूम में
जब तुम्हें छोड़कर मैं कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था ठीक उसी वक्त। ओकार, क्या वो इतना ऑब्वियस था? ऑफ कोर्स, तुम्हारी आंखें पढ़ ली थी मैंने, बहुत साफ था, इसीलिए तो एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारी गोद में लेटे हुए मैंने भी वही कहा जो तुम कह रही हो। आई लव यू लीला। लीला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम हिम्मत मत हारना। कोल्हापुर के एक होटल में दो लोग मृत पाए गए। वहाँ मौजूद लोगों ने गोलियां चलने की आवाजें सुनी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है लेकिन अभी कातिल का कुछ पता नहीं चला। मरे हुए लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है। उसको जूम कर, जूम कर, उसको जूम कर। हाँ, थाम थाम थाम। उसका तो थोबड़ा ही नहीं दिख रहा है, ये फुटेज वेस्ट है। शान्या, हॉस्पिटल का भी कैमरा बंद किया था ना, उसका भी कोई फुटेज नहीं है। हाँ सर, सर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या करेगा वो? ए, सब आ रहा। एरिया का एक एक हॉस्पिटल छान मारो, वो छोकरी की लाश के साथ क्या करेगा? शादी करेगा? मायला, अगर छोकरी जिंदा है तो वो किधर है, किस हॉस्पिटल में है? जो उस छोकरे को जिंदा या मुर्दा लेके आएगा उसके लिए इनाम 1,00,000 रोकड़ा, ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड, एंड बी हैप्पी, ऐश करो। साहब, जिसको आप ढूंढ रहे थे उसके फादर आए हैं, लीजिए बात कीजिए, बात कीजिए। सर, मैं बहस का पापा बोल रहा हूँ, मेरा बेटा 5 दिन से घर नहीं आया है। सर सर, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सर सर, पता कीजिए ना, मेरा बेटा कहाँ है। सर, मेरा एड्रेस लिखिए। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में सड़क के किनारे पार्क्ड एम्बुलेंस में पुलिस को एक नौजवान की लाश मिली जिसकी शिनाख्त महेश के नाम से हुई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार समाज सेवी रमन, उनकी पत्नी कल्पना, एम्बुलेंस का ड्राइवर, एक नर्स और चेन्नई के महेश, इन सब की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना ने पब्लिक के साथ साथ पूरे प्रशासन को हिला दिया है। अभी तक बोलना रद्दी जामा, मेरा दिमाग का दही खा रहा। निगाह, छोड़ूंगा नहीं उसको। इसे महफूज जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान अज्ञात लोगों ने एम्बुलेंस के अंदर ही सबकी हत्या। हां बोल, रद्दी जामा। नमस्कार, सब ठीक है ना? यस। कोल्हापुर से एसीपी कामत। हाउ कैन आई हेल्प यू? बैठिए। कहिए। बात यह है सर कि एक केस रजिस्टर हुआ है। यहाँ से जो लड़का बाइक लेकर गया था उसका नाम महेश था। उस बाइक का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर था। हम उसी केस के सिलसिले में आए। महेश मेरे बेटे का दोस्त है। वो एक लड़की के साथ कहीं घूमने गया था उसकी बाइक पर। घूमने से मेरा मतलब है रोड ट्रिप। एक्सीडेंट के बाद उसने हमें इन्फॉर्म किया था। अच्छा, मेरा मतलब मुझे पता है। सो व्हाट्स द बिग डील? बिग डील? वेयर सन? ही इज हियर एट होम। नेम? नाउ का है? नाम? रजनीकांत। रजनीकांत? यस। सिखा रहा है मेरे को रजनीकांत? आ, तुमने येड़ा समझा मेरे को? ज्यादा मगजमारी करने का नहीं। अपन जब गाली पे आता है ना अंकल, तो आगे पीछे नहीं देखता है। बता इसको। एक मिनट, होल्ड ऑन। अरे बेटा रजनी, यहाँ आओ। मेरा बेटा रजनीकांत। यू रजनीकांत? आपने हमारी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। फिलहाल तो हम चलते हैं। कोई और मदद चाहिए तो बता दीजिए। जरूर, मिलते हैं अंकल, जल्दी। इतने महीने से तुम लोग छक मार रहे हो क्या? सर, हम लोग डे नाइट लगे हुए हैं। ट्रांसफर बॉर्डर पे कर देता हूँ। सर,
सॉरी सर। तू तैयार रह, कल ही ट्रांसफर लेटर मिलेगा। सर सर मेरी बात तो सुनिए सर, सारी जिंदगी की पुलिसगिरी की सुरसुरी बनाकर मेरी वाट लगा दी, मेरे को ना किसी को धोने का है। अरे सर सर छोड़, सर छोड़, सर सर मत मार। इधर आ। सर, ये नए डीसीपी की डिटेल्स हैं जो आज ज्वाइन करने वाले हैं। सर थोड़ा जरूरी काम आ गया था। तेरे को क्या हुआ? कुछ नहीं सर। इतना टेंशन में क्यों है? नहीं सर कुछ नहीं सर। थोड़ा मार ले। हाँ सर। यही कहानी है रजनीकांत के पुलिस ऑफिसर बनने की। माँ बाप ने कभी नहीं सोचा कि मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन मैं बन गया आईपीएस रजनीकांत। कोई फोन डायरेक्टरी खोल लो तो पूरे स्टेट में सैकड़ों रजनीकांत नाम के इंसान मिलेंगे। जब भी किसी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस कहीं पर भी अपना इंट्रो दोगे कि माय नेम इज रजनीकांत, तो लोग हैरान होकर एक मिनट तक तुम्हारी शक्ल देखेंगे। और यही वजह है कि मैं अपना नाम बहुत कम लेता हूँ। लोग इसे पहले मजाक ही समझते हैं, वैसा ही रिएक्शन देते हैं जैसे कामत ने दिया था। बटन लगा। और बतौर पुलिस ऑफिसर ये मेरी जिंदगी का पहला एपिसोड है। कामत, आखिरी बार जब हम मिले थे ना, उसके बाद थोड़ी सी मराठी मीपण शिकलो है। एक्चुअली तब से आज तक बहुत कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में। तू मेरे घर आया, उसके 20 दिन बाद मैं यहाँ पुलिस स्टेशन आया, और पता नहीं उसके बाद यहाँ कितने चक्कर लगाए। मैं मौके की तलाश में रहता था कि कब मैं तुझे खत्म कर सकूं। जब भी तेरी शक्ल देखता मैं तेरी जगह लेना चाहता था, पर हम दोनों में एक ही फर्क होता, मैं एक ईमानदार ऑफिसर बनना चाहता था। तेरी पावर देखकर पुलिस ऑफिसर बनने की इच्छा जागी। कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया और उसकी तैयारी में जुट गया। दिन रात पढ़ाई और मेहनत की, ना सिर्फ यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया बल्कि मैंने उस एग्जाम में टॉप किया। चाहता तो आईएएस बन सकता था पर आईपीएस सिलेक्ट किया। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद 18 महीनों के लिए हैदराबाद में ट्रेनिंग करने गया। पुणे में पहली पोस्टिंग मिली एज एन अंडरकवर कॉप, और मैंने जानबूझकर अपनी पहली पोस्टिंग तेरे पुलिस स्टेशन में ही ली है। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई खास मकसद नहीं था, तूने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया है, उसके लिए तुझे थैंक्स कहूंगा। आई सल्यूट यू। मैं जानना चाहता था कि आखिर तू एक इनोसेंट फैमिली को मारने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा था। डॉक्टर से मुझे काफी मदद मिली। बड़ा सवाल यह था कि उस नेक इंसान के बेटे अतुल ने तेरा साथ क्यों दिया। अतुल मर चुका था लेकिन उसका फोन डॉक्टर के पास था। हमें उसमें से काफी डिलीटेड फोटोज मिले। जब लीला के घर पर गया तो एक पुराने एल्बम में वही फोटोज मिली। यही मेरे लिए सुराग की पहली कड़ी थी। पता चला कि वो लीला की मॉम कल्पना की बहन है, उसका नाम अनामिका था। उसे ढूंढने में मुझे पूरा एक साल लग गया। पिछले हफ्ते उससे मिला तो
तुझे तो पता ही होगा, उसे एक पागल खाने में रखा गया है। उसे पागल करार देने वाला नथुराम दुबे नाम का एक शख्स है। ये बात खुद अनामिका ने मुझे बताई। उसने मुझे 24 साल पुरानी कहानी सुनाई। आरजेएल के पार्टी ऑफिस में एक लव स्टोरी ने जन्म लिया। नथुराम दुबे तब एक गैंगस्टर था और अनामिका महज एक नई पार्टी वर्कर थी। दुबे की आइडियोलॉजी ने उसका दिल जीत लिया। तकरीबन एक साल तक उनका प्यार चला। अनामिका उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो फेमस डायलॉग सुना है ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। किसी टिपिकल विलन की तरह उसने कहा कि बच्चा गिरा दो, नहीं मानी तो उसे मारने की कोशिश की। बच्ची को पैदा करके अनामिका ने उसे अपनी बहन को सौंप दिया। उसी बच्ची का नाम है लीला। कई साल बाद नथुराम एक पार्टी का लीडर बना। एमएलए का टिकट भी मिला। जीतने पर सीएम बनने के भी चांसेस थे। अनामिका जो अब तक छुपी हुई थी उसके पार्टी ऑफिस पहुंची और उसे बताया कि उनकी एक बेटी है। उसने कहा कि दुबे ने उससे चीटिंग की और उसकी बेटी को मारने की कोशिश भी की। उसने दुबे को कोसा और कहा कि वो राक्षस सीएम बनने के लायक नहीं। वो विनती करती रही कि दुबे दुनिया के सामने अपनी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाए, वरना वो उसे एक्सपोज कर देगी। ये धमकी देना अनामिका की सबसे बड़ी गलती थी। वो भूल गई थी कि दुबे अब कितना ताकतवर बन चुका है। ये जानने के बाद कि लीला उसकी बेटी है, दुबे ने उसे मारने के लिए हाईवे पर ट्रक से एक्सीडेंट करवाया। उसके बाद अनामिका को मरवाने की कोशिश करता रहा। फिर स्कैंडल ओपन होने के डर से उसने उसे पागल करार दे दिया और एक पागल खाने भिजवा दिया। अनामिका ने मिस्टर रमन को यह बता दिया कि लीला की जान को खतरा है, पर वो नहीं जानती थी कि जान तो उनकी भी खतरे में है। वो डर गए। लीला को फोन किया और लीला तब हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। उसके बाद तेरी एंट्री हुई। मुझे पता चला कि दुबे ने 3 लोगों को लीला का खून करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन 3 में सबसे पहला था अतुल, डॉक्टर यशवंत का बेटा। दूसरा तू कामत और गैंगस्टर हिरेन। जाने अनजाने तू तो मेन विलन बन गया। क्यों? क्योंकि बाकी सबको मैं मार चुका हूं, अब सिर्फ तू बचा है। तूने हॉस्पिटल में जो किया, डॉक्टर के घर पर जो किया, वो हर एक छोटी से छोटी बात मैं एक स्टेटमेंट में लिख चुका हूं। उसे ऑलरेडी कमिश्नर को सबमिट भी कर दिया है कल ही। कहानी सुनाने में काफी वक्त लग गया। उसके लिए पहले यूनिफॉर्म पहनना जरूरी था ना। कोई तुझसे बात करने के लिए उतावला हो रहा है। नथुराम दुबे तो अरेस्ट हो चुका है अभी अभी, और मैंने इस काम के लिए उसके पार्टी चीफ की मदद ली, जो खुद भी उसे उसकी जगह से हटाना चाहता था। अरेस्ट करके उसे यहीं लेकर आने वाले हैं। तेरे 2 साथियों को चार्जशीट मिलेगी इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने के लिए। उसमें से 1 का स्टेटमेंट मैं ले चुका हूं, वो तो सरकारी गवाह बन गया है। यू आर नॉट अ स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। तू तो मुझे पूरी तरह से पहचान भी नहीं पाया होगा। तेरी गंदी हरकतों ने मुझे जिंदगी में इंस्पायर कर दिया है। तुझसे बदला लेने के लिए 2 साल 6 महीने रुका हूं, गुस्से के घूंट पीता गया, वेट किया, रिस्क लिया, लेकिन कभी सिचुएशन से डरा नहीं। आज मैं हूं DCP रजनीकांत। ए, खुद को क्या समझ रहे हो? क्यों लाया हो मुझे यहाँ? अरे अनामिका कौन? अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? ए, चल फोन दे, फोन दे। सर, ये पुलिस स्टेशन है और वो भी मेरे अंडर है। ना ये आपका MLA हॉस्टल है, ना ही आपके बाप का घर। आपके नाम का अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ है। पुलिस के पास सबूत और गवाह हैं कि आप इस मर्डर में इन्वॉल्व हो। आपने तो अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। आपका वकील आता ही होगा, तब तक वहाँ जाइए और चुपचाप बैठिए। And that's an order. Hey, तू मुझे ऑर्डर देगा? तू मुझे ऑर्डर देगा? Hey, ले जाओ इसे। छोड़, जाओ मुझे। अरेस्ट करेगा ना।
अब मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। कानून अब मेरे साथ, मैं कानून का रखवाला हूं। आई एम अ पुलिस ऑफिसर। आम आदमी था तो पुलिस वाले को नहीं मार पाया, ऑफिसर बनकर एक बेईमान ऑफिसर को मार दिया। आज मेरी जीत हुई, आज मेरा बदला पूरा हुआ, इंसाफ मिल गया। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हम साथ रहेंगे। हमारे बीच की सभी दीवारें मैं गिरा चुका हूं। I love you. अंधेरा होने वाला है, बारिश भी आने वाली है, रात को यहीं रुक जाते हैं, यहीं पास में एक होटल है। हे महेश, सिंगल रूम या डबल रूम? बहुत मिस करता हूं मैं उसे, काश वो आज जिंदा होता। थोड़ा पीछे हो जा। क्या करने वाली हो? हे, क्या सोच रही हो तुम? आज तो बड़ी बोल्ड हो गई हो। वाओ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, वो भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर, बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा रिस्क ले लिया। इसलिए तुम हीरो हो मेरी जिंदगी के, और ये नाम तुम पर बहुत सूट करता है। इसी मौके का तो इंतजार था। ऊपर देखो। मेरे साथ रहोगी? हमेशा के लिए। शादी कर लो। विल यू? 100%, डेफिनेटली, इन अ हार्ट बीट। सच कह रही हो? डेट और वेन्यू बता दो, मैं आ जाऊंगी। हंस चुकी हो। जिंदगी भर के लिए। आई लव यू।